ये तो यूं समझ रहे हैं एक बार में ठीक हो जाए, जो प्रेत है हो रहा। क्या नाम है? वर्षा जी, अपने हाथ को मत हलाना, मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ प्रेत कैसे आता है। कुछ हो रहा है तुझे? घबराहट हो रही है? घबराहट होनी चालू हुई वर्षा जी? ये हाथ अपने आप कर रहे हो या अजान पूछ के कर रहे हो या अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है। देखो आया ना है, कहाँ धक्के खा लिए बता मेरे को। पहले बत्ती में धक्के खाई जी, लोकल दी दुकान पजी, डॉक्टर अंब धक्के खाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह रहा भी स्प्रे लेगा तो ठीक रहेगी, नहीं फिर ऐसी होगा। अच्छा स्प्रे दे दिया डॉक्टर? कितने दिन से इलाज कर रहा था? एक साल तो मेरी शादी को हो गया जी, बाकी स्कूल टाइम से उसको 16 साल हो गए। देखो 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 कितना रमा हुआ है, जब इतना प्रेत रम जाए कि मैंने हाथ पकड़ा है देखो, और तब हाथ कैसे हो जाए ऐसे हिलने लगे, ठीक है, और प्रेत रोने लग जाए ये सोच के कि अब मुझे इससे बाहर जाना पड़ेगा, किसी ने मुझे देख लिया है, पकड़ लिया है। प्रेत ये सोचता है कि ये मेरी है, ठीक है ना, वो ये सोचता ही नहीं है किसी और की है, उसको ये पता ही नहीं कि इसकी शादी हो गई है, वो इसको एकांत में रख के रखना चाहता है। कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहा था? देखो पहला बत्ती में दिखाई जी, पहला इनने भी के कड़ा इन दिखाई जी, बत्ती जी हॉस्पिटल है चंडीगढ़ जी। अच्छा वहां दिखाई जी, 3 महीने लगातार दवाई खाई वहां जी, खड़ाई से जी कुछ नहीं फर्क पड़ा जी, इव लोकल देख दिखा रहे हैं, खड़े रहे हैं जी, दवाई खावा हफ्ता ठीक रहा जी, फिर स्त्री हुआ जी, 5 महीने का बच्चा खराब हो गया मेरी वाइफ का जी। ये बच्चा रखने नहीं देगा, रहने नहीं देगा जब तक है। इसको कैसा लगे खजूर? तू रोड़ी 30 दे दिया है, मैंने मेरे सामने कोई भी खड़ा होके सुन लो रोएगा ना, मैं उसको खजूर खिलाऊंगा। सही बात, अगर किसी ने खजूर खाना है तो भाई रोना पड़ेगा। हाँ कहाँ सांस है? गहरी सांस ले तू, महसूस हो रहा है सांस थोड़ा सा भी? जमीन पे पैर मार, जय शनदेव, दर्द रहता है ना सारे शरीर में, पूरे शरीर में, जब दर्द को डॉक्टर को दिखाने जाती है तो क्या बताता है, नाभि के नीचे दर्द रहता है ना, नींद के निशान पड़ते हैं ना, ऐसा लगता है ना कोई एकांत में दबाता है, उठ नहीं पाती है ना, गंदा काम होता है, महसूस होता है गंदा काम होता है। दुनिया का कोई डॉक्टर बता दो तुझे ये होता है। सनी महाराज की। और एक बात, मनु भैया की। इसका आधा सर सुन रहता है, इसको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ, ऐसा ही है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, सास पुकारती रह जाती है और ये उठती नहीं, इसको गुस्सा आता रहता है, ऐसा ही है कि नहीं? लड़ भी रहती है। कोई दुनिया का एलोपैथी का डॉक्टर इतनी महीनी से इतनी बारीकी से आपको ये बता ही नहीं सकता आपको है क्या, तो फिर डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर तो वो होता है। मैं कह रहा जितने का रावण दुनिया का सबसे बड़ा आतताई था, कौन कौन? रावण के नगर में एक सुसैन वैद्य रहता था, कौन रहता था? सुसैन वैद्य ने एक बार भी नहीं कहा वैद्य होने के नाते कि मैं लक्ष्मण की जान नहीं बचाऊंगा, या वो मूर्छित है तो मूर्छित ही पड़ा रहे, है कि नहीं, उसका शरीर छूट जाए, लक्ष्मण ने एक बार भी उसने सुसैन वैद्य ने नहीं कहा, जबकि वह रावण के घर का था। किसके घर का था? ये कौन से घर के हैं जो क्या कहते हैं कि रावण के सुसैन वैद्य से भी ज्यादा हानिकारक है? रावण का सुसैन वैद्य लाभदायक हुआ भगवान राम के लिए भी, ठीक है, है कि नहीं? इसलिए कहता हूं भगवान का नाम ले लो सब कुछ जल जाएगा, विभीषण का घर नहीं जलेगा, विभीषण का घर ही बचेगा। विभीषण बन जाओ, भगवान के प्यारे हो जाओगे, भगवान महात्मा कह के पुकारेंगे, और रावण बनोगे तो कहेंगे कि तुम नीच हो, धूर्त हो, पामर हो, भगवान राम कहेंगे कि तू कायर है, कुटिल है, और तेरे जैसा कुटिल इस दुनिया में दूसरा नहीं है,
तेरे जैसा नीच महापापी कोई दूसरा है नहीं। महाराज की विभीषण की तुम्हारी गलती है कि तुमने विभीषण की महत्ता नहीं पहचानी। तुमने रावण का ज्ञान देख लिया जो अहंकार से परिपूर्ण था, जिसने अपने कुल का नाश करा दिया। अगर विभीषण भी नहीं होता तो आज दुनिया में कोई ऐसा राक्षस नहीं होता जैसा ये अंदर घुस गया है ना। कुलों का नाश हो जाता, राक्षस कुल रहते ही नहीं। और जितने भी हमारे टब्बर में शादी हुई है, टब्बर में हमारे टब्बर में जी जितने भी शादी हुई है ना जी, हाँ, कोई भी खुशी नहीं, मौत होती है जी। मेरी शादी हुई है जी, मेरा बाबा जी गुजर गया जी, कोई भी खुशी नहीं हुई है जी, तो पक्का मौत हो आती जी। टेंशन ना ले तू, हम बैठे ये वैसी बात होने नहीं देंगे। आए ना, तुम भगवान से जुड़ गए हो। हाँ जी, हाँ जी, टेंशन ना ले। डॉक्टर इस समय करेगा क्या मैं बता, अगर इसको सांस हो, मैं लिख के दे रहा हूँ इस औरत को, अगर सांस हो इस बहन को, तो मैं अपने उसमें लिख के दे रहा हूँ क्या कहते हैं, मैं काम करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर इसको सांस नहीं हुआ तो एलोपैथी वाले डॉक्टर ये लिख के दे कदापि कि हम ऐसी कोई मशीन नहीं बनाएंगे जिसको सांस के रूप में यूज किया जाएगा। स्टीम दे हैं तो ठीक रहनी फिर स्त्रियों जी, स्टीम। कितना पैसा तू लगा चुका है डॉक्टरों के पास? मान के चलो जी, जितने भी कमरे सब लगा रहा है जी मैं जी। चल छोड़ दे इसको, रख दे, मैं इसको अकेली को तो खुदा नहीं सकता। कितने दिन हुए हैं वो बच्चा गुजरे? कोई बात नहीं, ऐसे उछल ऊपर, जोर से जल्दी जल्दी, तू भी चल, तू भी, हाँ ऐसे ऐसे जैसे ये चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ओए होए, बल्ले बल्ले, मजा आ गया, आनंद आ गया। किसी को नाचते देख के, उछलते देख के, कूदते देख के, तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही साथ साथ रह के उछलना है। बस आप बंद नहीं होना है भाई, बंद नहीं होना है, बंद नहीं होना है, बंद नहीं होना है। चलो चलो चला चला रे ड्राइवर गाड़ी, होले होले, इंजन की सीटी में मारो, ओए होए, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, चला चला रे सांस चढ़ा है। यही तो दिखाना था कि सांस चढ़ा नहीं है, ये डॉक्टर फेल है ना। और भगवान राम जो रावण के लिए कहते थे, मैं इनके लिए वही संज्ञा लगाता हूं कि ये पामर है, धूर्त है, इनको पता नहीं अंदर क्या है। अंदर प्रेत है, पितृ दोष है, अंदर देव दोष है, श्राप है, अंदर नजर दोष है। इन डॉक्टर को तो कुछ पता नहीं, आता जाता नहीं, आदमी बीमार उससे है। ये दवाइयों पे दवाइयां लिख रहे हैं, एक साल तक दवाई दी कि नहीं दी? हाँ जी, जी दी है जी। हाँ? इस महीने में 27 मार्च को एक साल हो जाएगा जी, ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जी दवाई ना चल रही। कितने रुपए की हफ्ते में दवाई लगती है? हफ्ते में मान के चलो जी 1500 की दवाई लग रही है। 15×60 6000 रुपए की? हाँ जी, हाँ जी। 12×72 1,00,000 रुपए मेरी दादा, आना जाना अलग। हाँ जी, हाँ जी, 10,000 रुपए सैलरी है जी, सब दवाइयाँ पर लग रही है। सिस्टर जी मेरी, उसको भी लेके आऊंगा। 10,000 रुपए सैलरी है, 6,000 रुपए की दवाई खा रहा है, आना जाना अलग। 1,000 रुपए और लाग रहे, 3,000 रुपए में रसोई कैसे चला ले? नरेंद्र मोदी देख ले, नरेंद्र मोदी देख ले, तेरा देश कैसे बर्बाद हो रहा है, इसको कैसे रोकेगा? इस एलोपैथी ने नाश कर दिया देश का, बिगाड़ के खत्म कर दिया, कोई रोग है नहीं, रोग बना दिया दुनिया भर के। सिस्टर मेरी, यहाँ आने के बाद कितना पैसा आपका लगा शनिधाम में? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो जी 2,000 रुपए लगे होंगे जी। कब? दो दिन आया मैं यहाँ पे, किराए किराए के करेंगे। अच्छा, मेरे पास तो कुछ नहीं, 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 आपके पास कुछ नहीं है किराए के? नहीं, किराए के 2,000 लगे। हाँ जी, मैं और बढ़िया से अव्वल से होटल में ठहरा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बस से आता हूँ जी, अम्बाड़ा से दिल्ली, फिर मेट्रो से यहाँ अपना जो द्वारका 10 सेक्टर 10 सेक्टर से आता हूँ। आना है लेकिन आठ, मैं कह रहा जी, मैं तो इतना मतलब एक बार में 1,000 रुपए लगते हैं। हाँ जी, कोई नहीं, तू महीने में 2 बार चंडीगढ़, तो महीने में 2 बार आ जा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ भी तो महीने में 4 बार जा रहा था। और तो मेरे नाल जा रहे, मैं ही ले जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं अब आपके साथ ही चला जाएगा। ठीक है, देखा अगर आपने... तुम दोनों ना नाचते तो तुम्हारा किराया और लगता अभी है कि नहीं? ये नाचने पे प्रसन्न हो गए, नाचना ऐसा था तेरा कमाल। सांस चढ़ा तुझे? अभी मुंह में ये दबा रही है गुठली, इससे ना चढ़ाओ। अच्छा अच्छा लगे तुझे? खजूर और दू है किस्मत वाले को मिलता है जी आपके हाथ पर। एक बात हो भाई, ये नाचा तो है तुझे, ये डंडिया लगा। एक ना जी, बहुत दर्दी हुआ हूँ।
उसके लिए तेल लगा, तेल लगाना है अभी आना। चलो खुश रहो, ठीक है। और ये गुठली निकाल फेंकनी है, कभी खा जाए इसको। आ भैया।